कर्मी है कि सीपीएम का कर्मी है वो मकसद नहीं है। वो मेरे जीत में जो जश्न मना रहे थे वो मेरे वार्ड के लोग थे और उनका हक था जीत का जश्न मनाने का। 7 वार्ड नंबर 5 के जो उम्मीदवार थे अफजल खान वो जीत करके आए हैं और बतौर काउंसलर पहला फर्ज अंजाम दे रहे हैं द्वारे सरकार कैंप के में। आइए बात करेंगे कैसा महसूस कर रहे हैं अफजल साहब, बतौर काउंसलर पहला फर्ज क्या बोलेंगे इस बारे में? नहीं, अच्छा लग रहा है, यही काम करने के लिए ही लोगों ने मुझे जिताया है। हालांकि ऑफिशियली अभी तो हम लोग शपथ नहीं लिए हैं जिस वजह से बहुत सारी परेशानियाँ हो रही हैं। बहुत सारे जो पुराने लोग हैं जैसे 5 नंबर वार्ड के आसिया के हस्बैंड है ये हैं, या फिर बहुत सारे जो लोग हैं जो पहले से काउंसलर थे या जो लोग पहले से काम कराते थे उन लोगों की मदद मैं लिया हूँ। वजह है कि हमारे जो 5 नंबर वार्ड के लोग हैं उनको परेशानी नहीं हो और जो काम स्मूथली और आसानी के साथ बगैर तकलीफ के लोग जो आ रही हमारी औरतें हमारी माए बहन है वो कम से कम तकलीफ उठाए, इसका इंतजाम करने के लिए मैं पहचान फाउंडेशन के तमाम मेम्बरों से कल बात किया था परसों। मैं शुक्रिया अदा करूँगा पहचान फाउंडेशन का कि वो अपने 10 वॉलंटियर यहाँ पे भेजे हुए हैं जो बैठकर 5 नंबर वार्ड के लिए फॉर्म भर रहे हैं, दूसरे वार्ड का भी भर रहे हैं। स्पेशली मैंने 5 नंबर वार्ड के लिए उनको दावत दी थी कि भाई मेरे पास अभी वो बच्चों के पास एक्सपीरियंस है नहीं, तो वो लोग खुश आमदीद कहें मेरी बात को, बहुत अच्छा लगा। दूसरी बात कि जिन्होंने आपको वोट दिया इलेक्शन के दिन लोगों ने न्यूज के माध्यम से आपको देखा, लेकिन आज पहली बार आपके साथ रूबरू हो रहे, कैसा फीलिंग लगा, कैसा उन लोगों का इंटरेक्शन रहा, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। नहीं, जिस दिन मैं जीता उसके बाद से लोगों के बीच में ही रहा हूँ, उनसे जाके मिल ही रहा हूँ, सबके साथ नहीं मिल पाया हूँ। एक अलग किस्म की फीलिंग है, तमाम लोगों के आंखों में देख कर एक चमक नजर आ रहा है मुझको देखने के बाद। मेरे जो 5 नंबर वार्ड के जो वोटर हैं या नहीं है वो उनके आँख में चमक नजर आ रही है, उम्मीद की किरण नजर आ रही है। इंशाल्लाह ये उम्मीद और ये चमक मैं कम होने नहीं दूंगा, ये चिराग मैं जलाऊंगा और तमाम लोगों को लेकर, मैं अकेले कुछ नहीं कर पाऊंगा, तमाम लोगों के, बाकी जो लोग हैं काउंसलर हो या फिर जो मानिंद लोग हैं, दानिश्वर तबका है, टीचर्स हजरात हैं और ये एनजीओ पहचान जैसा बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन है जो काम कर रहा है, उनको लेकर एक नई कमेटी को किस तरह से एक नया कमेटी बनाया जाए इस दिशा में सिर्फ मैं काउंसलर होकर काम करने के लिए मुझको लोगों ने नहीं चुना है, मुझको बहुत उम्मीद के साथ लोगों ने चुना है। देखा जाता है कि बहुत से जो काउंसलर आते हैं बहुत सारे वादे के साथ आते हैं लेकिन काउंसलर बनने के बाद वादे हवा हो जाते हैं, तो क्या उम्मीद करें कि वो वादे पे बिल्कुल खरा उतरेगा अफजल खान? मैं बोलूंगा नहीं, करके दिखाऊंगा, मैं ये बोलने की जरूरत नहीं, ये इलेक्शन से पहले वादा किया जाता है। अच्छा। इलेक्शन खत्म हो गया है, आज से ये पहला काम था मेरा, ये आज पहले काम में आप मुझको देखे हैं, मेरे पास सर्टिफिकेट अभी तक मिला है सिर्फ, लेकिन मैं शपथ नहीं लिया हूँ। उसके बावजूद मैंने लक्ष्मी भंडार का, स्वास्थ्य साथी का, ओल्ड एज पेंशन का, विधवा पेंशन का सब फॉर्म मैं कलेक्ट करके लाया हूँ, कलेक्ट करके मैं लड़कों को बैठा कर उनसे मैं फॉर्म वो भर रहे हैं, तमाम काम कर रहे हैं। मेरे तमाम जो वार्ड के लड़के हैं जो जिन्होंने काम किया था वो लोग आज मैदान में आप देख सकते हैं। आखिरी सवाल, हमने देखा जब जीत करके आप आए थे आपके साथ आपके इलाकाई लोगों के साथ तृणमूल कर्मी भी आपके साथ रंग में मजा ले रहे थे, क्या कहेंगे? तमाम मेरे वार्ड के लोग हैं, वो तृणमूल कर्मी है कि सीपीएम का कर्मी है वो मकसद नहीं है, वो मेरे जीत में जो जश्न मना रहे थे वो मेरे वार्ड के लोग थे और उनका हक था जीत का जश्न मनाने का। इसी दौरान हमारे बीच है पहचान फाउंडेशन के फाउंडर सिराज, आइए बात करते हैं कि आज जो कमेटी में द्वारे सरकार कैंप लगा है जहाँ वार्ड नंबर 4, वार्ड नंबर 5, वार्ड नंबर 6 और 7 के लोग आ रहे हैं, ये क्या कहना चाहें? सिराज साहब, देखा गया है कि अफजल खान जो 5 नंबर वार्ड के कैंडिडेट हैं उम्मीदवार हैं उन्होंने कहा कि पहचान फाउंडेशन के बच्चों को मैंने बतौर वॉलंटियर यहाँ पे बुलाया और आ करके काफ़ी मदद कर रहे हैं, क्या कहें इस बारे में और अपने जज्बे के बारे में, कहाँ से आप लोगों को ये इंस्पिरेशन मिलती है? सबसे पहले तो मैं इंडिया आई न्यूज़ को मुबारकबाद देता हूँ और साथ ही साथ अफजल खान साहब के साथ जितने भी काउंसिलर जो अभी इलेक्टेड हुए हैं उन सभी को मुबारकबाद देता हूँ। पहचान फाउंडेशन हमेशा से यही कोशिश करता है कि लोगों के लिए काम करें, लोगों की सहायता करें, चाहे वो जैसा भी वक्त हो, दिन हो, रात हो, किसी भी वक्त हो। और ये एक ऐसा द्वारे सरकार एक ऐसा कार्यक्रम है जहाँ पर हजारों हजारों लोग एक बार आ रहे हैं, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्म भर देना बहुत बड़ा मदद साबित हो रहा है। तो पहचान फाउंडेशन ये कोशिश कर रहा है कि कहीं पर उनको 2 रुपये या 5 रुपये देकर फॉर्म ना भरवाना पड़े, वहाँ पर पहचान फाउंडेशन के वॉलेंटियर्स जो है उनके फॉर्म भरने में मदद करें। और रहा सवाल अफजल खान साहब का या फिर अदर किसी भी वार्ड से अगर हमें आवाज़ दी जाएगी तो पूरी टीम इंशाल्लाह ताला वहाँ पर खड़ी मिलेगी। आप लोग तो बहुत सारे ये चलाते हैं, मुहिम चलाते हैं, जिसे क्या गंगा इंसान तेरी गंगा मैली, बचा तो बांटो थाना डिस्ट्रीब्यूट। अभी पैंडेमिक खत्म हो गया और क्या नया इनिशिएटिव आप लोग ला रहे हैं?
पहचान फाउंडेशन की तरफ से, और जो लोग आपके साथ अभी तक जुड़े नहीं है लेकिन जुड़ने के ख्वाहिशमंद है उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? पहचान फाउंडेशन एक बहुत बड़ी मुहिम की तैयारी कर रहा है जिसका नाम मैं आज पहली बार इंडिया आई न्यूज़ के दर्शकों के जरिए ही बता रहा हूँ, आओ स्कूल चले हम। हमें ऐसा लग रहा है कि पिछले 2-2.5 सालों से ऐसे भी बच्चे हैं जो स्कूल क्या होता है उनको मालूम भी नहीं है, या जो स्कूल जाते थे वो जाना भूल गए हैं, स्कूल में 2 घंटे 4 घंटे बैठना भूल गए हैं। तो पहचान फाउंडेशन ये प्लानिंग कर रहा है, बहुत जल्दी हम इस पर उतरने वाले हैं कि जो बच्चे स्कूल जाते थे और जो कभी नहीं गए हैं लेकिन ऐसा है कि नाम लिखाया गया है ऑनलाइन में, उनका ऑनलाइन में क्लास होता था, ऐसे बच्चों को हम लोग और ऐसे गार्जियन के साथ बात करके उनको इंस्पिरेशन देने की कोशिश करेंगे कि आप चलिए स्कूल चलिए, और इस मुहिम का नाम जो अभी तक हम लोगों ने तय किया आओ स्कूल चले। पहचान फाउंडेशन एक ऐसा अदारा है जहाँ पर हर किसी का स्वागत है, वो किसी भी वक्त आ सकते हैं, और अभी हम फिलहाल उत्तर 24 परगना के 2 अलग अलग जगह में टीटागढ़ और कामारहट्टी में काम कर रहे हैं, हालांकि टीटागढ़ से ही इसकी शुरुआत हुई थी। तो कोई भी जो जुड़ना चाहता है टीटागढ़ और कामारहट्टी के लिए 2 अलग अलग नंबर है जो अलग अलग लोग जिम्मेवार हैं, और जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वहाँ पर हमारे नंबर है और हम एक्टिव हैं, कोई कभी भी कॉन्टैक्ट करके जुड़ सकता है, इसके लिए कोई भी स्पेशल क्राइटेरिया या नियम कानून नहीं है।